नमस्कार साथियों, मैं राहुल जोशी आप सभी का पहाड़ एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हमारे इस खास प्रोग्राम पहाड़ की बात में विनय किरौला जी मौजूद हैं। विनय किरौला जी अल्मोड़ा में सोशल एक्टिविस्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं काफ़ी वर्षों से। आज हम आप विनय किरौला जी के साथ कुछ पहाड़ के अहम और विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो विनय जी, पहाड़ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। राहुल जी नमस्कार, पहाड़ एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। तो साथियों, सीधे पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो विनय जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि क्या 2022 में के विधानसभा चुनाव में अल्मोड़ा विधानसभा से आपकी दावेदारी रहेगी? देखिए राहुल जी, जब हमने अपने लगभग 4-4.5 साल पहले इस मंच की स्थापना की थी, तो हमारा मकसद ये था कि जो सरकार की योजनाएँ हैं उसको धरातल पर लाया जाए। और हमने एक थीम पर हमने काम किया, एक जो कोर हमारे एक्टिविज्म का है वो है डेवलपमेंट थ्रू एक्टिविज्म, यानी कि जो विकास हो वो एक्टिविज्म के थ्रू हो। क्योंकि हम लोग ने ये महसूस किया है पिछले 4 सालों में कि सरकार की योजनाएं अगर जनता जागरूक नहीं है, अपने हक हकूक के लिए खड़े होने लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो सरकार की स्कीमें बहुधा जमीन तक नहीं पहुँच पाती। ये वास्तविकता है, चाहे सिद्धांत कुछ भी कहते हो। तो हमने ये 4 सालों में महसूस किया है कि हम एक्टिविज्म के थ्रू डेवलपमेंट गांव तक पहुंचाएंगे, और इसी थीम पे हम लगातार पिछले 4-4.5 सालों से काम कर रहे हैं। और इसमें साथ ही साथ हमने हर गांव में, जिन जिन गांव में हम लोग गए हैं, कोमोबेस हर गांव में हमने अपने कुछ युवा हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो हमारे विचारों से प्रभावित हुए हैं, और जो हमारा विचार है वो विकास का विचार है, गाँव के स्वावलंबन का विचार है। जो युवा ये सोचते हैं कि भाई गांव में विकास आना चाहिए, गांव स्वावलंबी होना चाहिए, गांव आर्थिक रूप से अपने पैरों में खड़ा होना चाहिए, गांव बुनियादी सुविधाओं से लैस होना चाहिए, तो वो युवा हमारे साथ जुड़े हैं। और वो युवा अब चूंकि हमारी अपनी सीमा है, हर आदमी की अपनी एक लिमिटेशन होती है, तो आज हमारे पास एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका है। उस संगठन में जो युवा जुड़े हैं गाँव में, वार्डों में, शहर में, वो सब के सब इसी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं कि गांव मतलब विकास की जो योजनाएं हैं गांव तक पहुंचे। अब इस सारी चीज़ों में व्यक्तिगत रूप से अगर मैं अपनी बात रखूं, तो मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं अभी 2022 में चुनाव लड़ूं। मैं ये चाहता हूं कि एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं लगातार इस दिशा में काम करते रहूं जब तक मैं मतलब जीवन में हूं, जब तक मेरी सांस चल रही है। मैं सार्वजनिक जीवन में रहूं और लोगों के लिए ईमानदारी और निष्ठा से हम काम करते रहें। तो फिलहाल मैं, अगर मेरी व्यक्तिगत राय की बात जहाँ तक है, तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि मैं अभी 2022 को लेकर ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर 2022 को लेकर ही मेरे को काम करना होता, तो शायद जैसे कि प्रथा है, जैसे कि ट्रेडिशन है कि लोग 6-6 महीने पहले या साल भर पहले काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं या एक्टिविटी करते हैं ताकि वो इलेक्शन लड़ सके। तो हम तो 4-5 साल से काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा कोई ऐसा ध्येय नहीं था कि भाई हमें 2022 में चुनाव लड़ना था, और ना अभी है। जहाँ तक मेरा मेरी जो सोच है, मेरा जो विचार है। तो जैसा कि मतलब आप कह रहे हैं कि फ़िलहाल आपका कोई ऐसा विचार है नहीं, पर ये कि 4 सालों में आप बाकी किसी और की तुलना में सबसे अधिक अल्मोड़ा के गांव-गांव में घूम चुके हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपके साथ लोग भी जुड़ गए हैं काफ़ी, तो ये है कि अब इतने समय से जो आदमी मेहनत कर रहा है, तो क्या आखिर में वो जाके चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा? और एक और प्रश्न है कि जनता जानना चाहती है कि आप अगर चुनाव लड़ेंगे तो किस नाम पे लड़ेंगे? क्या किसी संगठन के नाम पे लड़ेंगे? क्या आप निर्दलीय के तौर पे उतरेंगे? ये मतलब क्या 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 रोड मैप रहेगा? एक राहुल जी, आपका पहला प्रश्न है कि आप इतने समय से काम कर रहे हैं तो क्या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए, हम काम इस उद्देश्य से हमने कभी नहीं करा कि हम 2022 में चुनाव लड़ें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि प्रथा है, खास विशेष रूप से हम पूरे देश में हम ये देखते हैं, देश की बात तो छोड़िए, अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें और विशेष रूप से पहाड़ में, तो कुछ समय पहले ही लोग एक्टिव होते हैं इलेक्शन के पर्पस से। तो हमारा तो ध्येय नहीं है कि भाई हमने इलेक्शन के पर्पस से इस मंच की स्थापना करी। हमने तो स्थापना ही इसलिए करी कि गाँव को स्वावलंबी बनाना है, पहाड़ को स्वावलंबी बनाना है, पहाड़ का युवा इतना जागरूक हो जाए कि वो अपने हक हकूक के लिए खड़ा हो जाए। देखिए, इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे क्या है, अभी हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, हम लोग यहाँ पर डीठागाड़ पड़ता है, भैंसा छाना ब्लॉक में दूरस्थ इलाका है, सरयू घाटी से लगे हुए कम से कम 22 गांव हैं। उन गांव में हम लोग पिछले 3-4-5 महीने गए, हमने गांव चलो अभियान, जब हमने अपने मंच की स्थापना की थी धर्मनिरपेक्ष युवा मंच की, तो हमने एक अभियान चलाया, अभियान का नाम हमने रखा गांव चलो अभियान। उस अभियान के तहत हम जब गाँव में गए, उसी गाँव चलो अभियान के तहत हम इस रीठागाड़ पट्टी में जब हम लोग गए, तो इतने युवा हमारे साथ जुड़े
अब वो युवा आज की ही मैं बात बताऊं तो आज वो युवा अपनी गांव की समस्याएं लेकर या फिर सरकार की जो विकास की योजनाएं उनके गांव तक नहीं पहुंच पाई हैं उनको लेकर आज हम लोग विकास भवन से लेकर सीडीओ साहब से लेकर विभिन्न विभागों में मिले हैं। तो देखिए उनका एक चीज़ और कहना है या हमारी जो आपस में बातचीत हुई तो हमने भी कहा और उन्होंने भी इस बात को पूरा समर्थन दिया कि उनका ये कहना है कि देखिए एक तो सरकार की स्कीमें हमारे गांव तक पहुँचे, क्योंकि जब जब युवा या जनता इस चीज़ को विशेष रूप से जैसे गांव का उदाहरण दूँ, किसी गांव में कोई व्यक्ति है अगर वो एक्टिविस्ट है वो सरकार की नीतियों को गांव तक लाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, बिगावों में जाकर शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा रहा है, तो निश्चित रूप से उसका एक बहुत सकारात्मक पहलू ये भी होता है कि वो उसके दिमाग में क्रिएटिविटी ये आती है कि जैसे मैं आप मनरेगा की कोई स्कीम पहुंचा रहा हूं, दूसरा किसी विभाग का कोई प्लान पहुंचा रहा हूं, तो साथ ही साथ उसके उसके दिमाग में ये क्रिएटिविटी आती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है पिछले 4 साल का, क्योंकि ऐसा कई लड़कों ने किया है कि वो ये कहते हैं कि भाई हम अगर ऐसा हमारे गाँव में हो तो हमारे गाँव में इकोनॉमी जनरेट हो जाएगी, तो उसको लेकर फिर वो एक्टिविज्म करते हैं और उसको वो जिला प्लान में डलवाने का काम करते हैं। जैसे गांव की खुली बैठक होती है उस बैठक में वो युवा जो हमारे एक्टिविस्ट है वो उस स्कीम को जो नया इनोवेशन आता है उस इनोवेशन के थ्रू गांव में पैसा पहुंचे, इकोनॉमी जनरेट हो, युवाओं को रोज़गार स्वरोजगार मिले, तो वो उस जिला प्लान में या राज्य प्लान में उस स्कीम को भी चलाने का काम करते हैं। तो देखिए ये 2-प्रॉन्ट एक्सरसाइज है अपने आप में, एक और तो आप विकास की योजनाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए एक्टिविज्म कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरा आपके दिमाग में क्रिएटिविटी आ रही है कि कैसे गांव में क्या स्कीम आनी चाहिए, क्या नए प्लान आने चाहिए कि उन प्लान के थ्रू गांव में डेवलपमेंट हो सकता है, गांव में इकोनॉमी जनरेट हो सकती है, रोजगार स्वरोजगार पैदा हो सकता है, गाँव स्वावलंबन की तरफ बढ़ सकता है। और दूसरा प्रश्न आपने पूछा था कि अगर 2022 में आप लड़ेंगे तो किस पार्टी से किस दल से लड़ेंगे, ये तो मैंने आपको पहली बार में ही स्पष्ट कर दिया है कि मेरा व्यक्तिगत रूप से अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं 2022 में चुनाव लड़ूं। हाँ, अब ये जनता पर डिपेंड करता है कि जनता क्या चाहती है क्या सोचती है, वो अभी दूर की कौड़ी है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि सोशल एक्टिविस्ट जो आपके साथ जितने भी जुड़े हुए हैं अलग अलग गाँव से अलग अलग क्षेत्रों से, तो ये है कि अगर आप सपोज चुनाव लड़ते हैं और अगर आपका आप सत्ता में आते हैं या आप जीत करके विधायक के तौर पे आते हैं तो ये है कि उन सोशल एक्टिविस्ट को एक सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि आप खुद देख रहे हैं कि आप जगह जगह जा कर के जैसे काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कमियां रह रही होंगी। अगर सपोज़ आप इस वक्त अल्मोड़ा विधानसभा में अगर सपोज़ आप विधायक होते तो उन सोशल एक्टिविस्ट का या आप खुद का ही एक अलग सपोर्ट आपको मिलता अगर एज अ वो कर सकते, तो क्या मतलब आपके सवाल के 2 जवाब मेरे पास हैं। पहला जवाब ये है कि आप हमारा 4 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो हम मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो व्यवहारिक बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इतना काम कर दिया है कि कोई जनप्रतिनिधि ने भी शायद इतना काम ना किया हो, जिसके पास सारी तरह की मतलब बजट होता है, पावर होती है, सब कुछ होता है, लेकिन हम लोग कर पाए इसके पीछे कारण ये है कि भाई हम बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी से अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो विभाग में, क्योंकि देखिए एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। तो क्या जैसे आप अगर सपोज आप राजनीति में आ गए और आपने चुनाव लड़ा तो क्या आप उसके बाद निष्ठा और ईमानदारी नहीं रहेगी? आप निष्ठा ईमानदारी सब कुछ रहेगी राहुल जी। देखिए मैं अपनी व्यक्तिगत पसंद और नापसंदगी की बात बता रहा हूँ कि व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि मैं अभी एज ए सोशल एक्टिविस्ट और पकूँ और काम करूँ, अपने व्यक्तित्व को और उभारूँ। और जैसा कि आपने कहा कि अगर आपके जो एक्टिविस्ट हैं जो लोग हैं अगर आप चुन के आते हैं जीत के जाते हैं विधानसभा, तो देखिए ये जो बात आपने कही है ये अगर जनता कहती है हमारे लोग कहते हैं तो फिर उसमें देखा जाएगा कि क्या होता है। ये तो अभी दूर की कौड़ी है, अभी इस विषय में बात करना मुझे लगता है टू अर्ली है, बहुत जल्दी है। तो अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन लगभग नहीं भी तो 20 से 25 लोगों ने मुझसे ये प्रश्न किया कि आखिर धर्मनिरपेक्ष युवा मंच जो आपका है तो आखिर इसका नाम धर्मनिरपेक्ष युवा मंच ही क्यों रखा गया? देखिए मैंने कई लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रश्न करा, कई लोगों ने समुदाय से जोड़ के देखा, कई लोगों ने ये भी कहा कि इस मंच में मैक्सिमम लोग सिर्फ हिंदू धर्म के हैं तो धर्मनिरपेक्ष कहाँ से हुआ, कई लोगों ने दूसरे तरीके से जोड़ा कि धर्मनिरपेक्ष ये हमारे समाज को मतलब बदनाम करने की साजिश है, ये वो अलग अलग तरीके से जो भी आप देख रहे होंगे। तो आपने भी खुद कुछ प्रश्न देखे होंगे ऐसे, तो इसमें क्या कहना चाहिए? इसमें मेरा मानना ये है जब आज से लगभग साढ़े चार पाँच साल पहले हमने इस मंच की स्थापना करी जिसका नाम हमने धर्मनिरपेक्ष युवा मंच रखा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले प्रश्न में भी दूसरे में भी तीसरे में भी एक बात मैं कॉमन एक समान रूप से कह रहा हूँ कि हमारा जो एक्टिविज्म का कोर है जो सेंटर है जो केंद्र है वो है विकास, वो है डेवलपमेंट, वो है स्वावलंबन।
आप ये देखिए कि अगर आपको विकास, तो जो जब हमने ये देखा कि भाई हमें विकास करना है, हमें हमारी थीम विकास की है, हमें गांव-गांव तक सरकार की स्कीमें, सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है, हमें देखो हमारे साथ जो युवा जुड़े हैं वो युवा हमारे साथ क्यों जुड़े हैं, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि युवा हमारे साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनको विकास चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए, उनको रोजगार स्वरोजगार चाहिए, जो हमारे एक्टिविस्ट हैं इसीलिए तो हमारे साथ जुड़े हैं। अब जब विकास की हमारी स्कीम है, विकास का हमारा एजेंडा है, विकास का हमारा एजेंडा है, डेवलपमेंट का हमारा एजेंडा है, तो डेवलपमेंट का एजेंडा तभी संभव है जब वो समावेशी हो, यानी कि इंक्लूसिव हो, उसमें हर धर्म, हर जाति, हर सेक्ट, हर मतलब जात को, हर तरह के व्यक्ति जब हमारे साथ होंगे तभी तो डेवलपमेंट होगा, तभी तो विकास होगा। विकास किसी पर्टिकुलर चीज का तो नहीं हो सकता ना। आप सोसाइटी, समाज का विकास करेंगे तो आपको हर किसी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, आपकी सोच, आपका विचार समावेशी होगा। तो देखिए, इसलिए हमने अपने मंच का नाम धर्मनिरपेक्ष रखा, क्योंकि हमारा जो मकसद था वो विकास था। और दूसरी बात यह है, देखिए आज हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे ग्रुप चल रहे हैं, ऐसे मंच चल रहे हैं जो धार्मिक रूप से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे हैं। चूंकि पहले से बहुत से ऐसे मंच हैं जो धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो हम भी अगर क्योंकि हमारा मकसद विकास है, तो धार्मिक क्रियाकलाप करने वाले ऑलरेडी बहुत से मंच हैं, तो विकास की बात करने वाला कोई ऐसा मंच ही नहीं था। तो हमने कहा कि भाई हम तो विकास, हमारा जो सेंटर थीम ही विकास है, डेवलपमेंट है, स्वावलंबन है, तो हमने अपने मंच का नाम इसलिए धर्मनिरपेक्ष रखा कि भाई हर व्यक्ति को हम अपने साथ लेके चलेंगे। आज देखो हमारा मकसद किसी भी धर्म, हमारा मकसद है कि भाई हम ये मानते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि हम हर धर्म का, हर जाति का, हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं समान रूप से, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का हो। और मैं आपका ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ ये प्रश्न की कि हमारे साथ केवल हिंदू जुड़ा है, हमारे साथ हर वर्ग, हर जाति का व्यक्ति जुड़ा है। हमारा मंच केवल अल्मोड़ा में काम नहीं कर रहा, बल्कि पूरे कुमाऊं में काम कर रहा है, थराली में काम कर रहा है, गढ़वाल में, श्रीनगर में काम कर रहा है। तो आप, मैं हल्द्वानी अगर बताऊँ तो हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, जो मुसलमान हैं, हर धर्म हर जाति का व्यक्ति हमारे साथ है। और फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो विकास होता है वो समावेशी होता है, विकास कभी किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक व्यक्ति समुदाय का नहीं होता है। भारत जैसे विभिन्नताओं से बड़े देश में विकास समावेशी होता है। जब समावेशिता की बात आएगी तो धर्मनिरपेक्षता अपने आप में उसका सिनोनियम है, भारत के संदर्भ में उसका पर्यायवाची है। चूंकि हमारी थीम स्वावलंबन और गाँव को आर्थिक रूप से अपने पैरों में खड़ा करने की है, गाँव का विकास करने की है, शहर का विकास करने की है, वार्ड का विकास करने की है, तो स्वाभाविक रूप से हमें धर्मनिरपेक्ष शब्द रखना ही रखना था, इसलिए हमने अपने मंच का नाम धर्मनिरपेक्ष रखा। तो जैसा कि अभी ना वन यूके टीम और कई अन्य संस्थाएं हैं जो अलग अलग मुद्दे उठा रही हैं उत्तराखंड के हित के लिए, तो इसी क्रम में उनके चार मांगे थी, तो उनमें उनके लिए मैं आपके जरिए क्वेश्चन करना चाहता हूं कि उनकी एक पहली मांग, जो मुख्य मांग है उनका ये है कि जो मूल उत्तराखंडी है उसको 1950 के हिसाब से, मूल निवास 1950 के हिसाब से उत्तराखंडियों को हर जगह सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो, सब जगह आरक्षण मिले, चाहे वो कोई भी हो, उत्तराखंड का मूल निवास 1950 होना चाहिए। और उनकी दूसरी मुख्य मांग है कि जो हिमाचल और जो अन्य पहाड़ी राज्य हैं जहाँ जो भू कानून और ये अलग अलग चीज़ें जो पहाड़ी राज्यों को दी गई हैं, उत्तराखंड को नहीं दी गई है, तो आखिर उस पर आपका क्या कहना है? और ये सारे मुद्दे क्या, अगर आप आगे होता है तो आप अपने जरिए भी इन चीज़ों को उठाएंगे? और एक और उनकी मुख्य मांग है, पहले दो प्रश्न का जवाब, पहले आप दो का बोलिए। देखिए जहाँ तक सवाल है, पहला प्रश्न आपने पूछा कि 1950 में के हिसाब से डोमिसाइल तय हो, मूल निवास तय हो, जो उत्तराखंडी मूल, जिस पे मैं बिल्कुल 100% हम लोग सहमत है, हमारा पूरा मंच इस बात पे सहमत है कि 1950 के हिसाब से उत्तराखंड का मूल निवास तय होना चाहिए, डोमिसाइल तय होना चाहिए, उसके आधार पर आपका चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, आरक्षण तय होना चाहिए पहाड़ के लोगों के लिए, पहाड़ के निवासियों, पहाड़ के बासिंदों के लिए। मैं पूर्णतः इस बात से सहमत हूँ। तो क्या इस मांग को धर्मनिरपेक्ष युवा मंच अपने जरिए भी गांव-गांव जाकर लोगों को तक उठाएगा? हम हर मंच में उठाएंगे, हर मंच में उठाएंगे, हर मंच में उठाएंगे इस बात को। तो दूसरा क्वेश्चन जो था, दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा भू कानून पे, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तर्ज पे, जम्मू कश्मीर और जो और पहाड़ी राज्य नॉर्थ ईस्ट के सभी। तो देखिए बिल्कुल मैं सिद्धांतिक रूप से इस बात पे बिल्कुल सहमत हैं कि भू कानून, हमारी तो थीम ही देखिए स्वावलंबन की है। स्वावलंबन कब होगा? जब हमारी ज़मीनें बचेंगी, और ज़मीन जब बचेंगी तभी स्वावलंबन होगा। बल्कि मैं तो एक कदम आगे जाके एक बात और कहना चाहूँगा कि केवल भू कानून
ही लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कानून आएगा तभी भूमि बचेगी, तभी स्वावलंबन होगा, तभी गांव का व्यक्ति गांव में रुकेगा। हमारी भूमि अगर कॉरपोरेट्स को दे दी जाएगी तो फिर हमारी स्थिति ये हो जाएगी कि भाई हम अपने घर में बेगाने हो जाएंगे। दूसरी बात है, इससे दो कदम आगे जाके मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ना केवल भू कानून आए बल्कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका भी, उस पर भी जो पहला अधिकार है, और कानून ऐसा आए कि उस पर पहाड़ के बासिंदों का, पहाड़ के निवासियों का हक हो, चाहे वो पानी हो चाहे जंगल हो। आज हमारे पास हमारे जंगल नहीं है, तो मेरे हमारी तो ये मांग है, हमारे अपने मंच के मान से भविष्य में भी और वर्तमान में भी आपके चैनल के माध्यम से भी हर मंच में ये मांग करते हैं और करते आए हैं और करेंगे भी, कि ना केवल भू कानून ऐसा आए जिससे पहाड़ की ज़मीन पहाड़ के बासिंदों को मिले, पहाड़ के निवासियों के पास रहे, बल्कि जो प्राकृतिक संपदाएँ हैं उस पर भी कानून आए और उसमें स्पष्ट रूप से कहा जाए कि प्राकृतिक साधन संसाधनों पर पहाड़ के लोगों का हक हो, ये कानून आए जी। इसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। तो जो इनकी जो और दो मांगे हैं जो कहते हैं कि उत्तराखंड के हित के लिए हैं, तो उसमें एक मुख्य मांग ये है कि सिक्किम की तर्ज पर हर एक घर के हर एक नागरिक को, कहते हैं एक घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले। और जो दूसरी एक मुख्य मांग है, 1996 में जो कांड हुआ था जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहा था, और जो ये अलग अलग जब उस समय आंदोलन हुए और मसूरी गोलीकांड और खटीमा गोलीकांड आपने और अन्य जो भी हुए, तो इन पे आज तक का कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनको आज तक का न्याय नहीं मिल पाया। तो क्या इस पर एक फास्ट ट्रैक कमेटी गठित होकर के क्या इस पर राज्य आंदोलनकारियों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, पहले प्रश्न का जवाब देता हूँ मैं आपके जी। आपने पहला प्रश्न पूछा है कि सिक्किम की तर्ज पर उत्तराखंड के हर युवा को, हर परिवार के एक युवा को नौकरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल 100% सिक्किम के तर्ज पर सरकारी नौकरी, हाँ सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए उत्तराखंड के हर युवा का। बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से हम इसके साथ हैं, हमारा पूरा मंच इसके साथ है, ये सैद्धांतिक बात है। अब इसकी बात, इसका एक दूसरा पहलू ये है कि ये व्यवहार में कैसे उतरेगा, ये फॉलो कैसे होगा, ये व्यवहार में जमीन में कैसे उतरेगा, सरकारें कैसे हर परिवार के एक युवा को, उत्तराखंड के हर परिवार के एक युवा को सरकारी नौकरी देगी। देखिए, उसके लिए हमारा मेरा विचार यह है कि सरकार को अपने गवर्नेंस का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अपना आकार बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अगर हम 3-4-5 गाँव का क्लस्टर देखें कहीं पर भी, वहाँ पर कितने सरकारी कर्मचारी होते हैं? मेरे ख्याल से 8-10 सरकारी कर्मचारी 10 गांव के क्लस्टर में होते हैं, जैसे आशा, आंगनबाड़ी, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स, ANM और आपका डॉक्टर्स। अगर हम ये देखें कि वो जो 10 लोग 8-10 गांव के क्लस्टर में काम कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी, उसका आकार हमें बढ़ाना पड़ेगा, हमें उसको कम से कम उन कर्मचारियों को 20-25-30 करना पड़ेगा, तब जाके संभव है कि हर युवा को, हर उत्तराखंड के हर परिवार के एक युवा को नौकरी मिल सके, सरकारी नौकरी मिल सके। उसके लिए सरकार को, देखिए एक सबसे बड़ी बात है, मैं ये व्यवहारिक बात मैं देखता हूँ, देखिए वीडियो है जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है, ग्राम विकास अधिकारी हैं, उनके ऊपर इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि उससे दो चीज़ें होती हैं कि एक तो उनकी एफिशिएंसी में, निपुणता में, कार्य क्षमताओं पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, विकास के कार्य रुक जाते हैं। तो सरकारें अगर वैकेंसी बढ़ाएंगी यानी कि उन पर वर्कलोड कम होगा। अभी भी कई वैकेंसी हैं जो खाली, मैं बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल सही बात है, उसी बात पर आ रहा हूँ मैं। एक तो वर्कलोड बढ़े, वर्कलोड कम हो, यानी कि वैकेंसी जहाँ पर जितना मतलब जायज है उतनी वैकेंसीज वहाँ पर निकले। देखिए, इसके लिए सरकार को ये करने की ज़रूरत है कि जितने भी वैकेंट, जितने भी खाली पद हैं पूरे उत्तराखंड में, उनको तुरंत भरा जाए। अब प्रश्न आता है कि भाई अगर भरा जाएगा तो वित्त की व्यवस्था, रेवेन्यू कहाँ से होगी? सरकार को रेवेन्यू जनरेट करने की ज़रूरत है, रेवेन्यू के नए आयाम ढूंढने की ज़रूरत है, नए एवेन्यूज ढूंढने की ज़रूरत है। सरकार के पास मुख्य सचिव से लेकर बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, सरकार को निश्चित रूप से अपने रेवेन्यू के संसाधन बढ़ाने की ज़रूरत है। और जैसे आज हम लोग देखते हैं कि लगभग 2-2.25 लाख उत्तराखंड में कर्मचारी हैं, अगर इनको 5 लाख करना है, इनका डबल करना है, ट्रिपल करना है, तो सबसे पहला काम ये करने की ज़रूरत है कि आपको जैसे RCT का एग्जाम्पल दे रहे हैं, RCT जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, इन ट्रेनिंग सेंटर को हॉलबाग, जैसे अल्मोड़ा में हॉलबाग में RCT है, इसको गांव-गांव में लाने की ज़रूरत है। गांव-गांव में ट्रेनिंग सेंटर खोलने की ज़रूरत है ताकि उनको वहां पर रोज़गार भी उत्पन्न हो, स्वरोजगार भी उत्पन्न हो, साथ ही साथ गवर्नेंस का जब आकार बढ़ेगा तो वैकेंसी निकलेंगी, वैकेंट जो खाली पद हैं वो भरे जाएंगे। एक गांव में जहां पर 5-7 गांव के क्लस्टर में अगर 10 सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वहां पर कम से कम 30-40-50 कर्मचारियों की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हमें एक मार्केटिंग की पूरी टीम खोलने की ज़रूरत है, पहाड़ का हॉर्टिकल्चर का जितना सामान है उसको बेचने के लिए, उसके विपणन की एक व्यवस्था की जा सकती है, तो उसमें बहुत से युवाओं को रोज़गार मिल सकता है। कृषि में बहुत से युवाओं को मार्केटिंग का काम मिल सकता है। तो इस तरह से गवर्नेंस का जब आकार बढ़ेगा
सरकार का जब आकार बढ़ेगा, आकार तो खैर बाद में बढ़ेगा, पर पहले क्या है कि ये जो वैकेंट जो पद हैं पहले वो तो भरे जाएं। बिल्कुल, शुरुआत तो यहीं से होगी। सही बात। पहले, और दूसरा मेरा एक अब नया क्वेश्चन है, एक काफ़ी अहम मुद्दा है उत्तराखंड के लिए, कि जब यहाँ टिहरी डैम से काफ़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न होती है और उत्तराखंड से ही पानी बाकी राज्यों में जा रहा है, तो जब उत्तराखंड से बिजली बाकी राज्यों में बेची जा रही है, जब उत्तराखंड से पानी बाकी राज्यों में जा रहा है, तो बाकी राज्य जो हैं उत्तराखंड की बिजली और पानी वहाँ पे रेट कम है, कई जगह फ्री भी हैं, जैसे दिल्ली का उदाहरण ले लें, और वो खरीद उत्तराखंड से रहे हैं, और उत्तराखंडी जो यहाँ का मूल निवासी है उसको उसका सही दाम मिल नहीं पा रहा है, मतलब उसको उसको बिजली पूरी मात्रा में नहीं मिल पा रही है, सस्ता तो बहुत दूर की बात, उसको पूरा 24 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही, कई गांवों में ऐसा है कि अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, तो उसके लिए आपका क्या है? देखिए, इसके लिए मैं फिर वही बात कर रहा हूं जो शुरुआत में मैंने बात की थी, कि डेवलपमेंट थ्रू एक्टिविज्म, यानी कि विकास जो हो वो एक्टिविज्म के थ्रू होना होने की ज़रूरत है। आज ये व्यवहारिकता है उत्तराखंड की, बिजली नहीं आ रही तो गाँव के लोग इकट्ठा हुए विभाग के पास जाए, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है कि बिजली की कमी है, हम जब दूसरे राज्यों को हम बिजली जब दे रहे हैं तो हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है, तो वो राज्य मुझे लगता है कम रेट में अपने बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ तो हैं कि एक तो हमें एक्टिविस्ट पैदा करने की ज़रूरत है, युवाओं को एक्टिविस्ट बनाने की ज़रूरत है, ताकि वो खड़े हो जाएं अपने हक हकों के लिए, क्योंकि बिजली पानी जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं हमारा हक है, और ऐसा भी नहीं है कि ये हमारे पास सरप्लस है, बल्कि तभी तो हम बेच रहे हैं, तो ये ऐसा अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही है, तो उसको सही करने के लिए विभाग में जाने की ज़रूरत है, अपने हक हकूक के लिए बात करने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग खड़े हो गए अपने हक हकूक के लिए बात करने लगे तो आसानी से ये चीज़ें तो क्या सिर्फ ये विभागीय वो है या सरकार के लेवल से भी दिक्कत है? देखो, सरकार के लेवल से दिक्कत है या विभागीय दिक्कत है, तो पब्लिक का प्रेशर जब होगा तो चीज़ें सुलझेंगी। लोकतंत्र की पहली बुनियादी यही है, लोकतंत्र भारत जैसा, देखो लोकतंत्र गतिशील चीज़ है और लोकतंत्र इवॉल्व होने वाली चीज़ है, तो लोकतंत्र भारत जैसे देशों में तभी इवॉल्व होगा जब जनता जागरूक हो जाएगी, जब जनता अपने हकों के लिए खड़ी हो जाएगी, और वही काम हम लोग कर रहे हैं अपने धर्मनिरपेक्ष युवा मंच के माध्यम से। जैसा कि आपने बताया कि आप धर्मनिरपेक्ष युवा मंच के माध्यम से 180 से 190 गाँवों में अल्मोड़ा में घूम चुके हैं, तो आपको आज भी अल्मोड़ा के गाँवों में क्या मूलभूत समस्याएँ देखने को मिलती हैं? राहुल जी, देखिए, 20 साल उत्तराखंड बने हुए हो गए, दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि ऐसी लीडरशिप उभर के नहीं आई, ऐसा नेतृत्व तो उभर के नहीं आया, विशेष रूप से अगर हम अल्मोड़ा की बात करें तो, कि जिसके पास ये विजन हो कि वो गाँव में या अल्मोड़ा में इकोनॉमी जनरेट कर सके। छोटी छोटी नौकरी के लिए आज हमारा युवा मजबूर हो गया है 8-10 हज़ार 12 हज़ार की नौकरी के लिए दिल्ली राजस्थान जाने को, अपना घर छोड़ने को। आज हमारे पहाड़, हमारी पंचायतें इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि वो गांव में 8-10 हज़ार रुपये की आमदनी भी पैदा नहीं कर पा रही है जी। ये पिछले 20 साल की हमारे उत्तराखंड की उपलब्धि है, दुर्भाग्य है मेरा, दुर्भाग्य हम पहाड़ियों का, हम पहाड़ के वासियों का। तो देखिए, मेरा हमने जब 190-180 गांव हम लोगों ने बैठक करी है, कई गाँव में हम दो दो तीन तीन बार भी जा चुके हैं, तो सबसे बड़ी समस्या मैंने जो देखी है वो ये देखी कि पहाड़ के गाँव में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल अभाव है। बल्कि अभाव क्या है, कहीं ना कहीं नेतृत्व की क्षमताओं की कमी है, कहीं ना कहीं गाँव में एक्टिविज्म की कमी है, कहीं ना कहीं वो नेतृत्व की कमी है कि वो गाँव में सारे साधन संसाधन होने के बावजूद भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहा, वो बुनियादी सुख सुविधाएं, बुनियादी आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं हो पा रहा। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, ज़्यादा दूर मत जाइए, बगल में गाँव पड़ता है बाड़ी, तलालबाड़ी, इसी के जस्ट बगल में विकास भवन है, उसके नीचे मेडिकल कॉलेज है, बगल में कलेक्ट्रेट बन रहा है, वहाँ पर उस गांव में पानी पीने की, मतलब पीने के पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब लोग दूर दूर से, गांव के ग्रामीण दूर दूर से पानी भर के लाते हैं, जबकि विकास भवन के पास पानी का स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है, वो प्रकाश भवन के बगल से पानी का स्रोत 100 मीटर दूर गाँव है, वो गाँव तक नहीं पहुँच पा रहा पानी, वो पानी को चैनलाइज नहीं किया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधन है लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, तो वो पानी गांव तक नहीं पहुंच पा रहा पीने का। इसी तरह से मैं कम से कम 50 गांव के आप उदाहरण दे सकते हैं जहां साधन संसाधन हैं लेकिन वो चैनलाइज नहीं हो पा रहे, आदमी के काम नहीं आ पा रहे, गांव के काम नहीं आ पा रहे। जैसे हम आपको एक पलियू एक गाँव पड़ता है यहीं पर, भैंसा छाना गाँव में है, कम से कम 10-12 पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं,
वो स्रोत गुल के रास्ते गुल भी बनी है। गुल पिछले 7-8 साल से क्षतिग्रस्त है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। हर साल वहाँ गुल का थोड़ी बहुत रिपेयरिंग होती है, फिर वो बरसात में टूट जाता है, पानी बह के गधेरों में जा रहा है, वो पानी कभी खेतों तक नहीं पहुँच पा रहा है। जबकि उनका कहना है कि इतनी उपजाऊ उनकी ज़मीन है, अगर वो पानी खेतों तक पहुँच जाए तो कम से कम सब्जी बेच के ही 7-8 हज़ार रुपये एक काश्तकार आसानी से कमा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हम देखिए तलाड़बाड़ी से एक युवा का, अभी जब लॉकडाउन लगा था तो एक हमारा कोई भाई का फ़ोन आया था मेरे पास, मेरे से कहा किरोला जी मैं दुग्ध का काम कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ, डेयरी का काम करना चाहता हूँ, मैं 5-7 अच्छी किस्म की नस्ल की गाय भैंस लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि अल्मोड़ा बाज़ार नज़दीक है, मेरे पास बाज़ार भी है, और मैं अगर दूध का काम करूँगा तो मेरे पास नज़दीक बाज़ार है, तो मैं आसानी से बेच भी सकता हूँ। तो लेकिन उसने उसके साथ दिक्कत क्या आई, वो नहीं कर पाया और वापस दिल्ली चले गया। कारण इसके पीछे ये है कि अगर आप 2-4-3-4 भैंस भी अगर पालते हैं तो आपको कम से कम 200 लीटर दूध पानी की ज़रूरत पर डे है। पानी नहीं है तो स्वरोजगार कैसे करेगा। हमारे पास स्वरोजगार के लिए सीमित साधन है, जैसे हम गाय का काम कर सकते हैं, हम मुर्गी का काम कर सकते हैं, अंडों का काम कर सकते हैं। तो ये 2-4-5-7 चीज़ हमारे पास हैं, लेकिन उसके लिए एक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। वो व्यक्तिगत रूप से ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हो, वो शासन का काम है, प्रशासन का काम है। आप देखिए वो शासन प्रशासन का काम है, अगर वो नहीं कर रहा तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा और मैंने कई बार इस इंटरव्यू में एक बात कही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत जैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र तभी सफल हो पाएगा जब लोग जागरूक होंगे। तो आज हमने ये स्थिति पैदा करनी कि हम आज इस स्थिति में आ गए हैं कि हमने गाँव में एक्टिविस्ट का पूरा एक मतलब समूह बना दिया है। तो आज तलाड़बाड़ी के युवा लगातार शासन प्रशासन पर आ रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई हमारे वहाँ इस पानी को चैनलाइज करके पानी की व्यवस्था कराओ। आज तक ये कभी नहीं हुआ था। आज ही की आप बताऊँ 2007 में रेठागाड़ में 2.5 किलोमीटर की रोड है, मतलब वैसे तो बहुत बड़ी रोड है, 21 गाँव पड़ते हैं सरयू घाट के तट पर, 21 गाँव। उन 21 गाँव में जो जागेश्वर से थोड़ा आगे जाके नैनी से थोड़ा आगे जाके 2.5 किलोमीटर का जो पैच है रोड का, वो पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड में 2007 में बनाया था और आज तक उस पर डामरीकरण नहीं हो पाया। और उसके पीछे कारण यह है कि लोग जागरूक नहीं है लोगों में, या फिर एक नेतृत्व का अभाव है। अगर उनको नेतृत्व मिल जाता तो वो आते, अपनी बात रखते शासन प्रशासन तक, लगातार दबाव बनाते, आज निश्चित रूप से वहाँ रोड बनती। और आज ही की बात बताऊँ, आज हमने सीडीओ साहब को उस विषय में ज्ञापन दिया है, उस गांव के लोग आए थे, क्योंकि हमने परसों वहाँ विजिट की थी, बैठक की थी, आज हमने सीडीओ साहब को ज्ञापन दिया। सीडीओ साहब ने तुरंत निर्माण निगम के, निर्माण खंड के, पीडब्ल्यूडी के निर्माण खंड के एक्शन को फ़ोन करके, एक्शन साहब को फ़ोन करके कहा है कि भाई इसको तुरंत किया जाए। एक्शन साहब ने ये कहा कि भाई हमारे पास बजट का अभाव है, तो उन्होंने सीडीओ साहब ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको पीएमजीएसवाई में, मतलब इस सड़क को स्थानांतरित किया जाएगा पीएमजीएसवाई में, क्योंकि पीएमजीएसवाई में बहुत बजट है अभी की। तो बात, मेरा कहने का मतलब ये, इस एग्जाम्पल से आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि आपके दर्शक भी इस बात को समझ सकते हैं कि अगर लोग एक्टिव हो जाए और एक सही दिशा में, तो कोई बड़ी बात नहीं है पहाड़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना। अगर बुनियादी सुविधाएं, मैं मेरा ये मानना है, अगर बुनियादी सुविधाएं गांव में आ जाए तो निश्चित रूप से हर घर को 5-7 हज़ार रुपये आमदनी की व्यवस्था हो जाएगी। एक अहम क्वेश्चन है मेरा कि आपने अभी कहा कि ज्ञापन आप आए दिनों दे रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट आपके साथ जोड़ रखे हैं, कई सारे लोग अलग अलग गाँव से आपने जोड़ लिए हैं, तो ये है कि जनता आज के दिन में अल्मोड़ा में ये कहा जा रहा है कि विनय किरोला ज्ञापन एक्सपर्ट के तौर पर देखा जा रहा है आपको, कि ज्ञापन देने में सबसे आगे रहते, तो क्या वो ज्ञापन जो आप देते हैं उन पर कार्रवाई भी होती है नहीं होती? एक चीज़ बताता हूँ, 2003 में लोधिया के पास, लोधिया चौमू मोटर मार्ग, 2003 में मोटर मार्ग की घोषणा हुई थी, 2004 में इस पे काम चालू हो गया था, रोड का बनना शुरू हो गया था, 2017 में हम उस गांव में बैठक करने गए, तब तक रोड नहीं पहुंची थी, 12 किलोमीटर हम पैदल चल के उस रोड गांव में पहुंचे। गांव में पहुँच के जब हमने बैठक करी तो ग्रामीणों ने बताया कि 2004 से इस गांव का, इस रोड का काम चल रहा है, आज 2017 आ गया, आज तक इस रोड का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। मतलब लाट गाँव से नीचे पुल पड़ता है, उस पुल तक रोड बनी थी, उसके बाद का जो कम से कम 13-14 किलोमीटर का जो बचा था हिस्सा, वो 2017 तक नहीं बना था, 2004 से 2017, सोचिए आप। आप हमें कह रहे हैं या लोग हमें कह रहे हैं कि भाई हम ज्ञापन एक्सपर्ट है, ये तो मेरे लिए उपलब्धि की बात है कि जब ज्ञापन दोगे, देखो प्राइमा फेसिया प्रथम, मतलब सबसे पहले आप ज्ञापन के माध्यम से दोगे, उसके बाद फिर लगातार दबाव बनाओगे। तो देखिए वो एक काम करने का तरीका है, या किसी के पास कोई दूसरा तरीका है तो वो भी आजमाएं, वो भी करें, उसके रिजल्ट भी हम भी देखते हैं। तो देखिए हमने उन गांव वालों को
बुलाया, हमने कहा कि भैया जनता दरबार लग रहा है हर सोमवार को, आप लोग आइए, हम लोग आपकी बात रखते हैं। क्योंकि होता क्या ना, गांव का आदमी अपनी बात को संबंधित विभाग तक नहीं पहुंचा पाता, पहुंचा भी पाता तो उस रणनीति उस तरीके से नहीं पहुंचा पाता, उस मजबूती से नहीं रख पाता, ये मेरा अनुभव है। तो हम लोग जब वहां पर आए, उनको लेके आए, ज्ञापन दिया, नहीं हुआ काम। उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया फला तारीख का हम रोड बना देंगे, नहीं बनी। दोबारा आए, तीबार आए, कम से कम 5 से 6 बार हम आए। आज उसका सुखद नतीजा ये निकला कि जनता के दबाव का, उस ज्ञापन का, जो पहला ज्ञापन हमने दिया था कि आज उस गांव में रोड आ गई है। अब आप सोचिए कि रोड का बजट कितना होता होगा, कम से कम 14 से 15 किलोमीटर वो रोड बनी है और बिल्कुल टेरेन, मतलब रॉकी रॉकी वो थी, माउंटेन्स थी, उस पर वो रोड बनी है। तो सोचिए कि ज्ञापन का रिजल्ट ये निकला कि वहाँ पर रोड बन गई है। इस ज्ञापन के मैं आपको 50 उदाहरण देता हूँ। बल्टा गांव में हम लोग गए, आज बल्टा गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। पूरे अल्मोड़ा जिले में बल्टा गांव को चयनित किया गया है मोहन सिंह भंडारी गांव के रूप में। मोहन सिंह भंडारी में क्या है कि मोहन सिंह भंडारी के नाम से अगर किसी गांव को चयनित किया जाता है तो उस गांव को सारी चीज़ों के अलावा, सारे वित्त, मतलब जो वित्त का पैसा आता है, मनरेगा का पैसा आता है, दूसरे तीसरा जो भी निधियों के पैसा आते हैं, उसके अलावा हर साल 15 लाख रुपये की स्पेशल पैकेज मिलता है ताकि गांव का विकास हो सके। तो देखिए, आज जब हम उस गांव में गए, हमने बैठक करी, उसके बाद उस गांव में विपणन केंद्र खुला। वो पहले हमने ज्ञापन ही दिया था, उस ज्ञापन का निचल रिजल्ट ये, सुनिए सुनिए, मैं आपको एक छोटा सा वो बताता हूँ। एक एक डेवलपमेंट का एक आस्पेक्ट ये भी है कि जब हम उस गांव में गए, हमने बैठक करी, बैठक करने के बाद हम जब यहाँ पर युवा आशीष श्रीवास्तव जी डीएम थी, जिलाधिकारी थी, हमने उनको ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में हमने ये लिखा कि मैडम यहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती है। जब उस गांव में हम गए थे तो 750 किलो के आसपास मेथी उस गांव में उस समय हुई थी। वो गांव वालों का कहना था कि भाई इतनी हमारे पास मेथी हुई है, लेकिन हमारे पास बाजार नहीं है, हम बेचे कहाँ, क्योंकि अगर हम इसको मार्केट में बेचते हैं तो हमारी जो मेथी की गड्डी है 2-3 रुपए में रिटेलर खरीदता है, दुकानदार खरीदता है, और वो 12-15-20 रुपए में बेचता है। तो काश्तकार को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, और सारी मेहनत, सारा सब कुछ समय काश्तकार लग रहा है। तो जब हमने ये बात मैडम को बताई, जिलाधिकारी को बताई, तो जिलाधिकारी के हमारी बात को उन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया, और उसके बाद आज वहाँ पर एक विपणन केंद्र खुला है। विपणन केंद्र का मतलब यह है कि वहाँ पर एक ढांचा तैयार किया गया, जिसमें यह तय किया गया कि हर सोमवार को, हर बृहस्पतिवार को गांव के लोग अपनी सब्जी ला के यहाँ पर रखेंगे, और प्रशासन उनकी सब्जी को उठाएगा और बेचेगा। बेचने की जिम्मेदारी प्रशासन ने ली, और इस मॉडल को पूरे उत्तराखंड में लागू करने की जरूरत है कि प्रशासन शासन किस काश्तकार की सब्जी को बेचे या उसकी फसल को बेचे। देखो पूरे देश में ये तो है, आज किसान जो है वो मंडी की मांगी इसलिए कर रहा है कि किसान खेती करना जानता है लेकिन वो बेचना नहीं जानता, बेचने में एक्सपर्टीज नहीं है उसकी। तो वही बात हमने यहाँ भी कही कि भाई हमारा काश्तकार छोटा काश्तकार है, सीमांत काश्तकार है, उसको बेचने के लिए शासन प्रशासन आगे आए, उनकी सब्जी या उनके फसलों को बेचने की व्यवस्था करें। तो उसमें जो रेट तय हुआ बल्टा में, वो मंडी के रेट से 1 रुपया कम तय हुआ, तो अच्छा खासा उसको दाम भी मिल गया। अब युवा आशीष श्रीवास्तव जी यहाँ से ट्रांसफर होके गई, अभी उसकी स्थिति क्या है बहुत ज़्यादा उसमें कहने की स्थिति में मैं भी नहीं हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उस ज्ञापन का नतीजा यह आया है कि 50 से 60 गांव ऐसे हैं जहाँ जो बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, वो सुविधाएं आ गई हैं। ये ज्ञापन से ही हुआ है, ये हमारी एक्सपर्टीज जो ज्ञापन की है, ये उसका नतीजा है। तो जो ये ज्ञापन है, लगभग कितने प्रतिशत आपके ज्ञापन कामयाब हो पाते हैं, जिन पर आगे एक्शन लिया जाता? देखो हमारे ज्ञापन लगभग 100% कामयाब हुए। कैसे कामयाब हुए? जिन जगहों पर रोड बननी है, माना मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, क्वारफ से पेटसाल 2009 में आपका खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2 रोडों की घोषणा की थी, 2 मोटरमार्ग की घोषणा की थी, जिसमें एक था क्वारफ से पेटसाल, जो कम से कम 22 से 23 गांव को जोड़ रहा है, जिसमें माल सरसों से लेकर आगे के बहुत से गांव हैं, बक है ना, झसिया टाना है, तो इस तरह से 22-21 गांव को जोड़ रहा है। हमने वहाँ पर ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के बाद क्या हुआ, जो फाइल सालों से 2009 के बाद, आज हमने 2-3 साल पहले ज्ञापन दिया उन गांव में रोड को, जो वो घोषणा की थी उसको पूरा करने के लिए, तो वो जो ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के बाद का रिजल्ट यह आया कि जो फाइल 2009 से धूल खारी थी पीडब्ल्यूडी में, वो फाइल पे तुरंत कार्रवाई हुई, जितनी उसमें वन भूमि पड़ रही है, उस वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में आपका मानीला में जमीन राजस्व की जमीन सरकार दे रही है, जिला प्रशासन दे रहा है वन विभाग को, आज वो फाइल देहरादून नोडल में पहुंच गई है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर जमीन में चीजें नहीं भी आई हैं तो कम से कम फाइल तो आगे बढ़ी है, और चरणबद्ध तरीके से काम होते हैं, अगर हम उसको 3-4 चरण तक भी पहुंचा पा रहे हैं तो ये भी हमारी अपने कामयाबी है। तो जिस प्रकार से आपने अभी स्वरोजगार को लेकर कहा कि मुर्गी बाड़ा और ये अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ अपनाई जा सकती हैं, पर जो हमारे आईटी स्किल्स के लोग हैं, बीटेक और एमटेक करे हुए लड़के हैं, अगर वो यहाँ अल्मोड़ा में रह के अपना काम करना चाहें
तो क्या उनके लिए एक आईटी इंडस्ट्री यहाँ पे आईडी हब के रूप में अल्मोड़ा के अंदर भी स्टार्ट हो सकती है? देखिए, इसमें मेरा मानना यह है कि एक टू प्रॉन्ट एक्सरसाइज है। इसमें एक तो नीतिगत निर्णय लेने की ज़रूरत है पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में, विशेष रूप से उत्तराखंड सरकार को, कि जैसे आउटसोर्सिंग से जितने भी आज के दिन में जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो आउटसोर्सिंग बहुत से काम अपना आउटसोर्सिंग से कराती है, तो वो आउटसोर्सिंग के काम दिल्ली में हो रहे हैं, बेंगलोर में हो रहे हैं, वो काम अगर उत्तराखंड में आए तो उत्तराखंड में एक तो इकोलॉजी के लिए भी बढ़िया है, इन्वायरमेंट के लिए भी ठीक है उस तरह के काम, और दूसरा अगर हम पहाड़ की बात देखें, उत्तराखंड की बात देखें, तो यहाँ एस्पिरेशन क्लास बहुत बड़ा है, जो आकांक्षी क्लास है, जो पढ़े लिखे लड़के हैं बहुत मेजॉरिटी में है, और सब अच्छे जिंदगी के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए बाहर मेट्रो सिटीज़ में काम कर रहे हैं। तो और मैं हम लोगों ने बहुत से ऐसे युवाओं से बात करी जो बाहर काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो पहाड़ में आए, अपने घरों में आके काम करें। तो इस पे सरकारों को फैसला लेने की ज़रूरत है, इन कंपनीज़ को फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है, ताकि ये पहाड़ में आए और आपको आईटी से संबंधित काम यहाँ पर बड़े आसानी से हो सकता है, जैसे बेंगलुरु अगर नेट की तर्ज पे, साथ ही साथ जो आउटसोर्सिंग का काम है, जो आपका कॉल सेंटर का काम है, वो बहुत बढ़िया तरीके से पहाड़ों में हो सकता है और एक बहुत बड़े क्लास को, युवाओं को रोज़गार से मिल सकता है। साथ ही साथ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया जो हमारे पारंपरिक काम है, उस पारंपरिक कामों में वैल्यू एडिटिंग करते हुए उस काम का आकार बढ़ाया जा सकता है, उसमें रेवेन्यू जनरेट, मतलब रेवेन्यू की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, पैसे की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, अर्निंग के मात्रा बढ़ाई जा सकती है। उसमें जो ये जो पढ़ा लिखा क्लास है, जो टेक्नोक्रेट है, बीटेक है, एमटेक है, एमसीए है, ये बीच में मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, और मार्केटिंग नए तरीके से, जैसे आज आप देख रहे हैं कि ऐप्स का ज़माना है, विभिन्न किस्म के ऐप बना सके, ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते, तो बहुत अच्छी तरह से ये प्रोडक्ट को बेचने का काम कर सकते हैं। तो ये जो पारंपरिक काम कर रहे हैं, जो हमारे गांव के युवा हैं, उनके और मार्केट के बीच की कड़ी बन सकते हैं। एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मार्केट भी है, अमेजोन देखिए आप, इस तरह से बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज आज हैं, दुनिया के जो टॉप 10 लोगों हैं, वो बीच में कहीं ना कहीं मीडिएटर का काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारे जो युवा हैं, जो एस्पिरेशन क्लास है, वो ये काम कर सकता है आसानी से। तो अब हम गांव से नगर की तरफ बढ़ते हैं, तो आपने कहा कि गांव में आप घूमें, आपको अलग अलग समस्याएं दिखी, तो अल्मोड़ा जो शहर है मेन, वहां पे आपको क्या समस्याएं नज़र आती हैं? देखिए, वैसे तो मेरा जो एप्टीट्यूड है, जो मेरी जो सोच है, वो हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। अभी हम लोगों ने अल्मोड़ा शहर में, जो अल्मोड़ा नगर पालिका में दो वार्ड को शामिल किया गया है, जिसमें रैला पाली वार्ड है और दीवालखोला वार्ड है, इन दोनों ही वार्डों में हम लोगों ने बैठकें की हैं युवा लोगों के साथ। तो देखिए, रैला पाली के इंदिरा कॉलोनी जो एरिया है, उस एरिया में हम लोगों ने जब बैठक करी तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि वहाँ पर मैक्सिमम लोग वो लोग हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उन जगहों पर भी चार चार पाँच पाँच दिन में पानी आ रहा है। मतलब गाँव में तो बुनियादी सुविधाओं का अभाव है ही है, शहर में और जो वार्ड अभी शामिल हुए हैं उनमें ये स्थिति है कि चार चार पाँच पाँच दिन में पानी आ रहा है। दूसरा, उन्होंने एक चीज़ और बताई कि उस पूरे एरिया में, इंदिरा कॉलोनी से लेकर खतियाड़ी तक, लोगों के घर में पानी रिस के जा रहा है, उनके बुनियाद में, उनके फाउंडेशन में। तो इसको लेकर हमने, जब आपने जैसा अभी बताया कि ज्ञापन, हमको लोग कह रहे हैं कि भैया ये ज्ञापन देने में माहिर हैं, तो मेरा ये मानना है, देखिए हमको, हम सबसे पहले प्राथमिक रूप से ज्ञापन ही दे सकते हैं, सूचित ही कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम शासन प्रशासन पर दबाव बना सकते हैं अगर काम नहीं हुआ तो। लेकिन देखिए, हमने जब इंदिरा कॉलोनी की इन समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया, तो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत जल संस्थान को आदेश दिया कि भाई उस जगह पर जाके देख के आए, सर्वे करें कि पानी क्यों रिस रहा है। जल संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि भूगर्भ के लोग यहाँ पर आए और इसको देखें। तो देखो, ज्ञापन का कहीं ना कहीं एक असर तो दिख ही रहा है। दूसरा ये है कि जब हम लोगों ने उनको लेकर जिला जल संस्थान गए, तो आज जहाँ चार दिन के बाद पानी आ रहा है, आज हर अल्टरनेट डे में वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो रही है। और अल्टरनेट डे में पानी की व्यवस्था इसलिए हो रही है, हम तो चाहते थे कि पर डे पानी आए, लेकिन पर डे पानी इसलिए नहीं आ पा रहा है, जो वहाँ पर अधिशासी अभियंता, उनका ये कहना है कि अल्मोड़ा शहर को 16 MLD पानी की ज़रूरत है, जबकि उनके पास केवल 8 MLD पानी है। तो इसमें एक नीति बनाने की ज़रूरत है कि भाई अल्मोड़ा में पानी की मात्रा बढ़े, क्योंकि इतना बड़ा डैम बनाया है, डैम बनाने के बावजूद भी आज भी 8 MLD पानी की आपूर्ति हो पा रही है। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है, इस पर जो एक्सपर्ट हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, उनको एक मंच में लाने की ज़रूरत है, एक टेबल में बैठाने की ज़रूरत है, और इस पर गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है, ताकि अल्मोड़ा शहर में बुनियादी रूप से पानी की व्यवस्था हो सके। दूसरी बात यह है, हमने दीवालखोला में भी प्रोग्राम किया, तो देखिए हमने नगर पालिका में ये मांग करी कि जो दो वार्ड नए आपने शामिल किए हैं, इन दो वार्ड को, जो एग्जिस्टिंग वार्ड है, जो पहले से मौजूद वार्ड है, उन वार्डों के बराबर विकास के क्रम में लाने की ज़रूरत है। तो प्राथमिकता के साथ जो बजट है नगरपालिका का, उसका एक बड़ा हिस्सा रैला पाली
और दीवाल खुला में खर्च किया जाए, ताकि वो बराबर बराबरी कर सके एग्जिस्टिंग वार्ड में जो पहले से सालों से दशकों से अल्मोड़ा में वार्ड में है। तो ये हमने मांग की है। ठीक है, तो उसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। देखिए हाँ संक्षेप में जो बोलूँगा बस, देखिए अभी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने पौड़ी को हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है, विकसित करने की बात की है। तो हमने तुरंत अपने मंच की बैठक करी और अगले दिन ही हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया कि कुमाऊँ में अल्मोड़े को हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित करना चाहिए, क्योंकि अल्मोड़ा हर तरह से पात्रता रखता है हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित होने की। अगर आप अल्मोड़ा का इतिहास उठा के देखें तो अल्मोड़ा सालों तक चंद राजाओं की राजधानी रहा है, यहाँ गोरखा रहे हैं, अंग्रेज रहे हैं, और सांस्कृतिक रूप से इतना मजबूत, इतना बड़ा शहर है ये, बड़े बड़े बुद्धिजीवी शहर ने दिए हैं। तो अल्मोड़ा हर तरह से पात्रता रखता है, पूरे कुमाऊँ का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे कुमाऊँ में हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित होने की। अगर देखिए हेरिटेज सिटी के रूप में से दिल्ली में दिल्ली हाट है, अगर आप राजस्थान जाएं तो जयपुर है, जहां वहां की जो सेविनियर्स गुड हैं, जो वहां के लोकल गुड्स हैं, उनको एक मार्केट मिलती है, साथ ही साथ टूरिस्ट को भी मौका पता चलता है कि भाई ये हेरिटेज पॉइंट है, इस पॉइंट से हम चीज़ें खरीद सकते हैं जो लोकल में होती है। उसी तरह से अल्मोड़े में अगर लोकल में अल्मोड़ा हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित होता है तो दो चीज़ें होंगी। देखिए एक तो जो लोकल की चीज़ें हैं उसको एक बड़ा मार्केट मिलेगा, संस्कृति को विकसित होने का मौका मिलेगा, वो रूबरू होंगे, जो बाहर से लोग आएंगे वो देख सकेंगे उसको। साथ ही साथ अगर हेरिटेज सिटी बनता है, क्योंकि हेरिटेज सिटी के अपने मानक हैं कि अल्मोड़ा शहर में जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं उस बुनियादी सुविधाओं से अल्मोड़ा शहर को लेस किया जाएगा। जैसे देखिए सीवरेज की अल्मोड़ा शहर में बहुत बड़ी दिक्कत है, 97-98 में से वो सीवरेज का जो प्लान था वो 3-4 चरणों में होना था, वो 97-98 से ठप पड़ा है, वो आगे नहीं बढ़ पाया वित्तीय कमियों के कारण। तो एक तो सीवरेज की प्रॉब्लम मेरे को लगता है सॉर्ट आउट हो जाएगी, पानी की दिक्कत दूर होगी, और अल्मोड़ा शहर में आज जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो पार्किंग की दिक्कत है। 4 पहिया छोड़िए, आप 2 पहिया की पार्किंग लगाने की जरूरत दिक्कत मतलब जगह नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने नगरपालिका को सुझाव भी दिया था, मांग भी की थी बीच में कि अल्मोड़ा शहर में जितने भी नगरपालिका की जमीन पड़ी है जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा है या पुराने मकान है जो नगरपालिका में है, उसमें तुरंत मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी चाहिए, जिसमें 10-20 रुपये आप शुल्क भी ले सकते हैं, जिससे पालिका का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और लोगों को सुविधा भी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो जिस प्रकार से भी आपने कहा कि अल्मोड़ा बुद्धिजीवियों का शहर रहा है, सांस्कृतिक नगरी रही है, तो यहाँ की जो आज की डेट में जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था जो यानी कि सरकारी स्कूल्स हैं उनकी स्थिति दयनीय हो चुकी है, जबकि यहाँ से पढ़े हुए जो बुद्धिजीवी हैं वो इन्हीं सरकारी स्कूलों से निकल गए। आखिर ऐसी क्या क्या कमियाँ रह गई हमारी सरकार में या यहाँ के लोगों में, जो कि वो स्पॉट जहाँ से यहाँ से कई बुद्धिजीवी निकले हैं, और उसके अलावा यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा पर मैं आपसे 2 टिप्पणियाँ अगर छोटे संक्षेप में आप कहिएगा। देखिए स्वास्थ्य के जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा हमने भी JEE से पढ़ा है, तो बात क्या है कि एक तो ज़रूरत है कि जो लोग यहाँ से पढ़ के गए हैं, क्योंकि हम हमेशा सरकार की तरफ नहीं देख सकते हैं, सरकार क्योंकि अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती तो हमें ज़मीन में कुछ ना कुछ बदलते हुए दिखता, जो स्थिति जस की तस है। और दूसरी बात यह है कि चूँकि अल्मोड़ा बुद्धिजीवियों का शहर है, सेंसिटिव लोगों का शहर है, संवेदनशील लोग यहाँ से निकल के गए हैं, बड़े बड़े पदों में हैं, तो उनको वापस आके इस शहर को, इसकी शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है अपने लेवल से। बाकी जो शिक्षाविद है उनको इसमें बैठने की जरूरत है। जैसे ना अगर बाहर से कोई आएगा, अब वो सीधे सरकार के अंदर तो घुस नहीं सकता, सरकारी संस्थानों में तो घुस नहीं सकता, वो देखिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोलेगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं, मैं प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए सारी चीज़ें, मैं प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो सरकारी स्कूल है उन सरकारी स्कूलों में अगर जो ठीक जगहों पे पहुंचे लोग हैं वो लोग आए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है कहीं ना कहीं चंदे पैसे फंड की दिक्कत है, दूसरा पॉलिसी की दिक्कत है कि किस दिशा में शिक्षा को ले जाना है। देखिए शिक्षा के यहाँ पर 2 आयाम हैं, एक तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, स्मार्ट क्लासेस लगे, फर्नीचर आए, कंप्यूटर क्लासेस लैब हो, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा एक पार्ट ये है कि शिक्षा किस दिशा में जाएगी, मतलब कि वो किस विचारधारा की होगी, वो कैपिटलिस्ट होगी, वो दूसरे तीसरे किस विचारधारा की होगी, तो इस विषय पर काम करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। और फिर वही बात है कि मैं इस चीज़ पे बिल्कुल विश्वास करता हूँ कि जनता सबसे ऊपर है लोकतंत्र में, लोग अगर जनता दबाव बनाए तो सरकारों को झुकना पड़ता है, सरकारों को रिफॉर्म करने पड़ते हैं, सुधार लाने पड़ते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति बद से बदतर है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी जिला अस्पताल में कुछ समय पहले, 1-2 महीने पहले, एक लड़की का हाथ फ्रैक्चर हुआ, वो लड़की उसको लेके वहाँ पर आए तो मेरे को उन्होंने बुलाया, हमारे परिचित थे, तो हम लोग गए वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि यार इसके हाथ में फ्रैक्चर है, इसका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन की जो मशीन है वो ख़राब है और आपको हल्द्वानी ले जाना पड़ेगा। हल्द्वानी ले गए, ठीक है, हमने उनको जो जो सुविधा दे सकते थे, जो मदद कर सकते थे, हमने मदद करी, वो हल्द्वानी गए, हल्द्वानी में भी 1 हफ्ते बाद ऑपरेशन हुआ। उसके ठीक
25 से 30 दिन बाद एक दूसरा एक बार फिर किसी लड़के का मनरेगा में वो काम कर रहा था, लड़का किसी गांव का, उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया, पेड़ गिरा उसके पैर में लगी, मनरेगा में काम करते हुए पैर टूट गया, उसको फिर हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल लाने पर फिर वही जवाब दिया गया, मतलब जो मशीन पिछले वो मशीन पिछले 7-8 महीने से ख़राब पड़ी है। CMS से हमारी बात हुई, CMS ने हमें बताया कि हमने ऊपर एप्लीकेशन भेजी है, अभी उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो बात क्या है कि ना, लोगों को थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है, लोगों को एक मंच पाने की ज़रूरत है, और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, विशेष रूप से शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राजनीतिक दलों को भी और अल्मोड़ा की प्रबुद्ध जनता को भी एक सुर में, एक मंच में, एक विचार पर काम करने की ज़रूरत है, तब जाके ये चीज़ें बदलते हुए दिखेंगी। तो जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि अल्मोड़ा के जो अल्मोड़ा या पूरे पहाड़ों के जो अस्पताल हैं आज के दिन में रेफरल सेंटर बन चुके हैं, तो इसको हम आगे बढ़ के एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगा समय की पाबंदी के चलते, और मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ दो लाइनों में उसका आंसर दें। जैसे कि आज उत्तराखंड को थर्ड फ्रंट की एक ज़रूरत महसूस हो रही है, सबका कहना है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ देख रहे हैं, आप कह रहे हैं, आपने भी अभी कहा कि एक्टिविज़म की से ही एक नई क्रांति आ सकती है, तो आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल दोनों ही एक्टिविज्म से निकली हुई पार्टी हैं, आपको खुद पता है, और आप धर्मनिरपेक्ष युवा मंच कह रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ आपसे ये है कि इन तीनों में से आप किसको देखते हैं कि थर्ड फ्रंट के रूप में किसको देखना चाहिए उत्तराखंड की जनता को? देखिए, अभी ये बहुत दूर की कौड़ी है, एक साल बाकी है, अभी इलेक्शन का टाइम है, तो सभी लोग आए हैं, अभी हमारा इतना, देखिए इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ था, मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ राहुल जी, कि इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ था, इस लॉकडाउन में कहाँ थे, कहाँ था वो एक्टिविज्म? अब इलेक्शन आने वाला है तो आप इलेक्शन में आ गए हो, तो जब हमारा युवा दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, गुजरात में फंसा था, तो उस समय कहाँ थे जी? उस समय वो एक्टिविज्म कहाँ चला गया था? आज जब 2022 नज़दीक आ रहा है तो सभी लोग एक्टिव हो गए हैं, एक अलग बात है, लेकिन इस विषय में बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जनता सब देखती है, जनता बहुत समझदार है, और जनता मतलब जनार्दन है, उसका निर्णय सर्वमान्य है। मेरा ये मानना है कि अगर एक्टिविज्म है तो एक्टिविज्म इलेक्शन से एक साल पहले नहीं होता है, वो लगातार करना पड़ता है, वो जीवन आजीवन करना पड़ता है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा हमारे आज के पहाड़ की बात में हमारे साथ विनय किरोला जी ने अपने पहाड़ के मुद्दों पर अलग अलग अपने विचार रखे, तो आगे भी हम इसी प्रकार से अलग अलग राजनीतिक व्यक्तियों को और समाजसेवियों को आपसे रूबरू कराते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।